वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज हुई एक इन्वेस्टिगेशन बेस्ड मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। आप मूवी के बारे में बात करें तो मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं, काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं। इस मूवी में एक बात तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जब कल्प्रिट पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि वो बंदा असली कातिल नहीं है। इस तरह से एक के बाद एक काफी सारे लोगों के राज ओपन होने लगते हैं। तो फाइनली असली कातिल कौन है, वजह क्या है, इसी बेस पर है इस मूवी की कहानी। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी शुरुआत में ही टीवी न्यूज चैनल में ये न्यूज चलने लगती है कि लक्ष्मी नाम की एक लड़की का किसी ने बलात्कार कर दिया। मीडिया वाले और पब्लिक की तरफ से पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर काफी सारा प्रेशर होता है। सो उसके बाद ये केस पार्थ सारथी नाम के एक ACP के हाथ में आता है। तो पार्थ जबरदस्त तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके फाइनली वासु नाम के एक बंदे को पकड़कर उसका एनकाउंटर कर देता है कि वासु ने ही लक्ष्मी का बलात्कार करके मार दिया। खैर इसके कुछ दिनों बाद ऑटो में एक अनजान बंदा किसी के घर पर आकर सोती हुई नव्या नाम की एक लड़की को गन से मार देता है। नव्या को मारने के बाद वो अनजान बंदा उसी ऑटो में वापस वहाँ से चले जाता है। उसके बाद क्या था, नव्या की कत्ल की खबर सारे टीवी न्यूज चैनल में सेंसेशन होने लगती है और एक्चुअली नव्या किसी सॉफ्टवेयर कंपनी की MD होती है। सारे लोगों में यही चर्चा होने लगती है। सो दूसरे दिन DGP ये केस पार्थ को सौंपने लगता है और पार्थ से ये भी कहने लगता है कि तुम हर एक केस में क्रिमिनल्स का एनकाउंटर कर रहे हो, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स वाले तुम्हारे ऊपर केस ठोका, प्लीज इस केस में किसी का भी एनकाउंटर मत करना। तुमने जितने केस सॉल्व किए उतने ही केस तुम्हारे ऊपर है, और इसी तरह किसी भी तरह से 48 आवर्स में इस केस को सॉल्व करने के लिए कहता है। ऊपर से इसको बहुत प्रेशर है। इस तरह से वो DGP पार्थ को एक टीम भी देने लगता है। उसके बाद पार्थ और उसकी टीम फटाफट से क्राइम स्पॉट पर जाते हैं, मतलब वही नव्या के घर पर जाते हैं। पता चलता है कि घर में तो CCTV कैमरा मौजूद है लेकिन कनेक्शन नहीं है, और इसी तरह बाथरूम की खिड़की टूटी हुई है। इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता। उसके बाद पार्थ की टीम वहाँ के वॉचमैन से इंक्वायरी करने पर वॉचमैन कहने लगता है कि सर कल मैं लीव पर था, और इसी तरह बाकी लोगों से भी इंक्वायरी करने लगते हैं, जैसे दूध वाला, पेपर वाला, घर में काम करने वाली बाई, लेकिन किसी से भी इतना खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। बाद में ये लोग नव्या के हस्बैंड राहुल से भी पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन राहुल से भी पुलिस वालों को इतना खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। नव्या के पेरेंट्स को बुलाकर पूछने लगते हैं कि आपको किसी पर शक है, तो नव्या के पेरेंट्स राहुल पर ही शक करने लगते हैं कि हमें तो हमारे दामाद पर ही शक है। इस तरह से नव्या की माँ एक दिन का इंसिडेंट बताने लगती है। कुछ दिनों पहले नव्या ने अपनी माँ को कॉल करके बताया कि राहुल मुझ पर बहुत शक कर रहा है, उठते बैठते बाथरूम जाते हुए, मैं घर वापस आना चाहती हूँ माँ। लेकिन नव्या की माँ नव्या को समझाने लगती है कि बेटा हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते ही है, तुम फिक्र मत करो, मैं और तुम्हारे पापा राहुल से बात करेंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद पार्थ की टीम दोबारा राहुल के पास आकर इसी के बारे में पूछने लगते हैं कि हमने सुना है तुम दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप उतना खास नहीं था। राहुल भी यही कहने लगता है, अरे सर वाइफ एंड हस्बैंड के बीच छोटे मोटे झगड़े होते ही है, और वैसे भी उस दिन मुझे पुलिस वालों ने कॉल करके बताया कि नव्या की मौत हो गई, तभी मुझे ये बात पता चली, वो सारा दिन मैं अपने ऑफिस में ही था। इस तरह से अपने ऑफिस का CCTV फुटेज दिखाने लगता है। तो फुटेज देखकर पता लग जाता है कि उस दिन राहुल जरूरी मीटिंग पर था अपने ऑफिस में ही। तो पार्थ की टीम वापस अपने पुलिस स्टेशन पर आकर इसी केस के बारे में सोचने लगते है कि इस केस में इन लोगों को एक भी सबूत नहीं मिला। तभी पार्थ का एक टीम मेंबर ऋषि कहने लगता है, सर नव्या के घर के पास दो सिग्नल्स है, एक स्टार्टिंग में और एक एंडिंग में, वो दोनों साइड भी CCTV कैमरा मौजूद है। अगर हम दोनों का फुटेज चेक करेंगे तो हमें ये बात पता लग सकती है कि कौन सी व्हीकल उस रास्ते से लेट से गई, मतलब स्टार्टिंग टू एंडिंग जाने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। अगर 10 मिनट से भी टाइम ज्यादा लग गया तो शायद वो गाड़ी नव्या के घर के पास रुकी होगी। इस तरह से उन दोनों सिग्नल्स का CCTV फुटेज चेक करने लगते है। अब इसी दरमियान में हमको ये बात पता चलती है कि ऋषि की एक गर्लफ्रेंड होती है जिसका नाम होता है कीर्ति, जो एक रिपोर्टर होती है। कीर्ति जब जब ऋषि को कॉल करके नव्या के केस के बारे में पूछती रहती है, लेकिन ऋषि इस केस के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा होता। खैर बाद में फुटेज चेक करने के बाद पुलिस वालों को एक बहुत ही जरूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उसी वक्त पार्थ की टीम राहुल को हिरासत में लेते हैं और उसी तरह आई विटनेस के तौर पर एक ऑटो वाले बंदे को भी बुलाने लगते हैं। ये ऑटो वाला बंदा राहुल को देखकर कहने लगता है, हाँ सर इसी साहब ने हाईटेक सिटी से मेरी ऑटो पकड़ी, पहले इन्होंने मुझे ओल्ड सिटी जाने के लिए कहा, पता नहीं वहाँ पर इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने किसी के घर के पास ड्रॉप करने के लिए कहा, मैंने वहीं पर ड्रॉप किया, बाद में ये साहब घर के अंदर गए, थोड़ी देर के बाद वापस मेरे ऑटो में चढ़कर उसी ऑफिस के पास चले गए।
पूरा फेयर लगा था 500 रुपए, लेकिन इन्होंने मुझे 2000 की नोट दी, इसीलिए ये सर मुझे बहुत ही अच्छी तरह से याद है। तो उसके बाद पार्दू की टीम राहुल से पूछने लगते है कि अब बताओ राहुल, तुमने उस दिन अपने घर क्यों गए थे और वो भी ऑटो में। अब राहुल के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, जो हुआ वो पुलिस वालों को बताने लगता है कि एक्चुअली राहुल और नव्या की अरेंज मैरिज हुई थी। जब राहुल के फैमिली वाले नव्या को देखने के लिए आए थे, उसी वक्त नव्या ने राहुल से अपने लव अफेयर के बारे में बता दिया था कि कॉलेज में मेरा एक बॉयफ्रेंड था लेकिन ब्रेकअप हो गया। इस तरह से ये दोनों ओपनली बात करके एक दूसरे को समझ लेते हैं। कुछ दिनों तक इन दोनों की मैरिड लाइफ अच्छी खासी गुजरने लगती है, लेकिन सडनली एक दिन नव्या का एक्स नव्या को कॉल्स और मैसेजेस करने लगा और ये बात राहुल को पसंद नहीं आई। और उसी तरह एक दिन राहुल ने नव्या और उसके एक्स को किसी कॉफी शॉप में देखा। ये दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए थे। उसी वक्त जब राहुल नव्या को कॉल करके पूछा कि तुम कहां पर हो, तो नव्या ने झूठ कहा कि मैं घर में ही हूं। तो नव्या का ये झूठ सुनने के बाद राहुल का शक और मजबूत होने लगता है। उसके बाद जब राहुल नव्या का फोन चेक करता है, तो नव्या ने अपने एक्स को 20 लाख रुपए ट्रांसफर किया होता है। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। नव्या कहने लगती है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उसे पैसों की जरूरत थी तो मैंने दे दिया। बाद में राहुल हर बात पर नव्या पर शक करने लगा, झगड़े होने लगे। और एक्चुअली उस दिन राहुल अपने किसी बंदे को अपने घर के पास पहरेदारी के लिए लगाया होता है। फोन करके बताने लगता है कि अगर कोई भी बंदा मेरे घर के अंदर आया तो फटाफट से मुझे कॉल करके बता दो। तो थोड़ी देर के बाद वो बंदा राहुल को फोन करके बताने लगता है कि सर अभी अभी कोई अनजान बंदा आपके घर में घुसाया। तो ये बात सुनने के बाद राहुल का खून खोलने लगता है, बहुत गुस्सा करने लगता है कि इसकी बीवी इसको धोखा दे रही है। उसके बाद राहुल अपने ऑफिस के पीछे वाले दरवाजे से बाहर जाने लगता है, क्योंकि अगर ये सामने से गया तो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होगा। तो अपने ऑफिस के बाहर ही एक बंदे की ऑटो पकड़कर ओल्ड सिटी जाता है। वहाँ पर जाकर किसी बंदे से गन खरीदने लगता है। उसके बाद वही ऑटो पकड़कर वापस अपने घर पर आकर सोई हुई नव्या को गोली मार के मार देता है। इस तरह से राहुल जो हुआ वो सारी बात पुलिस वालों को बताने लगता है कि हाँ, मैंने ही मेरी बीवी को मारा और मैं इसके लिए गिल्ट नहीं हूँ। सो बाद में पार्दू डीजीपी को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि सर नव्या का केस सॉल्व हो चुका है, उसका हस्बैंड ही असली कातिल है। तो डीजीपी कहने लगता है तो फिर चार्जशीट फाइल करो। लेकिन उसी वक्त ऋषि अपनी टीम के पास आकर एक शॉकिंग बात बताने लगता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पार्दू के हाथ में थमाते हुए कहने लगता है कि नव्या की मौत बुलेट से नहीं हुई, उसका दम घुटने की वजह से हुई। मतलब नव्या ऑलरेडी मर चुकी थी, बाद में राहुल आकर नव्या को मारा। सो असली कातिल राहुल नहीं है। सो ये जानने के बाद पार्दू की टीम दोबारा स्टार्टिंग से केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। पहले तो पार्दू और ऋषि नव्या के एक्स बॉयफ्रेंड वरुण के पास जाते हैं पूछताछ करने के लिए। वरुण यही कहने लगता है, हाँ सर, कॉलेज डेज में मैं और नव्या रिलेशनशिप में थे, लेकिन हम दोनों के बीच कुछ सेट नहीं हुआ, बाद में ब्रेकअप हो गया। रिसेंटली किसी पार्टी पर मुलाकात किया हम दोनों ने, उसके बाद से हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन गए। और जिस दिन नव्या मरी थी उस दिन मेरा किडनी स्टोन का ऑपरेशन था। इस तरह से थोड़ा बहुत प्रूफ दिखाने लगता है। बाद में पुलिस वाले राहुल के उस बंदे से पूछताछ करने लगते हैं, वही जो राहुल के घर पर नजर रख रहा था। ये बंदा ये कहने लगता है, हाँ सर, उस दिन एक बंदा राहुल सर के घर में गया था। पुलिस वाले इस बंदे को पहले राहुल की फोटो दिखाने लगते है। ये बंदा कहने लगता है, अरे सर, ये तो राहुल है, इन्होंने ही मुझे काम दिया। बाद में ये लोग वरुण के फोटो दिखाने पर ये बंदा कहने लगता है, हाँ सर, यही बंदा राहुल के घर में गया था और इस बंदे ने उस दिन वरुण के कुछ फोटोग्राफ्स भी खींचा होता है, वो दिखाने लगता है। उसके बाद पुलिस वाले दोबारा वरुण के पास जाने लगते हैं, लेकिन वरुण पुलिस वालों से बचकर भागने लगता है। फाइनली पार्दू और उसकी टीम वरुण को पकड़कर पुलिस स्टेशन पर लाकर पूछताछ करने लगते है कि बताओ क्या हुआ। वरुण जो हुआ वो बताने लगता है कि कॉलेज डेज में जब वरुण और नव्या रिलेशनशिप में थे, एक दिन ये दोनों किसी रिसोर्ट पर गए थे। तो उस टाइम मौके पे चौका वरुण नव्या के साथ फिजिकल होने की कोशिश की, लेकिन नव्या वरुण को दूर रखा। इसके बावजूद भी वरुण नव्या के साथ जबरदस्ती करने लगा। वरुण का यह बर्ताव देखकर नव्या वरुण से ब्रेकअप कह देती है। उसके बाद जब इन दोनों की शादी हो जाती है, तो इन दोनों की मुलाकात एक गेट टुगेदर पार्टी पर होती है। वरुण नव्या के पास आकर उसको बहुत सॉरी बोलने लगता है कि मैंने उस दिन जो किया वो बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं अभी भी गिल्ट में हूँ। तो नव्या वरुण को माफ करने पर ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाद में वरुण नव्या को कॉल्स और मैसेजेस करके बात करने लगा। राहुल शक करने लगा नव्या पर। एक दिन वरुण नव्या को कॉल करके किसी कॉफी शॉप में बुलाने लगता है कि इसके साथ एक जरूरी बात करनी है। तो नव्या उसी तरह से वरुण से मुलाकात करने के लिए कॉफी शॉप पर जाती है। वरुण अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है कि एक्चुअली मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, जिसके लिए 1 crore की जरूरत है। मेरे पास थोड़े पैसे है और कुछ पैसे मैंने लोन लेने का सोचा, लेकिन लोन अभी भी अप्रूव नहीं हुआ। अगर नव्या तुम एक 20 लाख का इंतजाम कर देती
तो मुझे बहुत मदद मिलेगी। लोन आने पर मैं तुमको फटाफट से लौटा दूंगा। सो नव्या उसी तरह से वरुण को 20 लाख रुपए ट्रांसफर करती है और वरुण नव्या का हाथ पकड़कर थैंक यू बोलने लगता है। और उसी वक्त इत्तेफाक से राहुल ने देख लिया। नव्या को कॉल करके पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर हो, तो नव्या झूठ बोलने लगती है कि मैं घर पर हूँ। अगर उस दिन नव्या राहुल को सच बता देती तो राहुल का शक और मजबूत हो जाता। खैर इसके कुछ दिनों बाद वरुण दोबारा नव्या को कॉल करके दोबारा वही कॉफी शॉप पर बुलाने लगता है। नव्या वरुण को साफ मना कर देती है कि मैं कहीं पर भी नहीं आ पाऊंगी, पहले से ही मैं तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हूँ, राहुल मुझ पर शक कर रहा है, प्लीज वरुण तुम मुझे फोन मत करो। लेकिन वरुण अपनी प्रॉब्लम बताने लगता है। अरे नव्या मैंने बैंक में लोन के लिए अप्लाई किया लेकिन वो लोग श्योरिटी चाहते हैं, अगर तुम पेपर्स पर सिग्नेचर कर दोगी तो मुझे बहुत हेल्पफुल होगी, लोन मिलेगा तभी तो मैं तुम्हारे पैसे लौटाऊंगा ना। लेकिन नव्या साफ मना करने लगती है कि मैं कहीं पर भी नहीं आऊंगी, हम बाद में देखेंगे। इसके बावजूद भी वरुण नव्या के घर पर पहुंच जाता है पेपर्स लेकर। इसको रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज नव्या तुम्हारी एक सिग्नेचर मेरी लाइफ बदल देगी, प्लीज एक बार साइन कर दो। नव्या वरुण को घर से बाहर जाने के लिए कहती है तो तभी वरुण अपना असली चेहरा नव्या के सामने दिखाने लगता है। कहने लगता है कि मैंने कॉलेज डे से ही तुमसे प्यार करने का नाटक किया तुम्हारी प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए, लेकिन उस टाइम तुम मेरे हाथ से निकल गई और मैंने तुम्हारे लिए ही गेट टुगेदर पार्टी रखी ताकि मैं दोबारा तुमसे फ्रेंडशिप करके तुमको अपनी ट्रैप में फंसा सकूं। मैं तुमसे एटलीस्ट 1 CR तो लेना चाहता था लेकिन तुम तो हाथ से जाने वाली हो, फटाफट से इन पेपर्स पर सिग्नेचर करो। इस तरह से इसको बहुत मारने पीटने लगता है और एक और शॉकिंग बात बताने लगता है कि जब ये दोनों रिसोर्ट पर थे उस वक्त वरुण ने नव्या की नेकड़ वीडियो बनाई थी, अभी तक इसके फोन में सेव है। धमकाने लगता है अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिया तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। उसी वक्त कोई अनजान बंदा नव्या की घर की घंटी बजाने लगता है। वरुण कहने लगता है कि बाहर जो कोई भी हो फटाफट से उसे बाहर भेज दो वरना तुम जानती हो ना तुम्हारी वीडियो मेरे फोन में है। ऐसा कहते हुए वरुण बाथरूम में जाकर छुप जाता है। उसके बाद पता नहीं घर के अंदर कौन आता है, वरुण इतना ऑब्जर्व नहीं करता। लेकिन थोड़ी देर के बाद नव्या की चीखें वरुण को सुनाई देने लगती है कि वरुण मुझे बचाओ, वरुण मुझे बचाओ। जब वरुण बाथरूम से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है तो वो दरवाजा लॉक होता है, जिसकी वजह से वरुण बाथरूम की खिड़की तोड़कर जब नव्या के बेडरूम में जाता है तो नव्या तब तक मर चुकी होती है। सो प्रेजेंट पर वरुण पुलिस वालों से कहने लगता है कि सर मैं नव्या को क्यों मारूंगा, मैं तो उससे पैसे चाहता था, अगर वो मर गई तो मेरा ही तो नुकसान होगा ना। खैर पोस्टमार्टम में ये बात पता चलती है कि नव्या के नेक के पास किसी लेडी के फिंगरप्रिंट्स है, तो बाद में पुलिस वाले नव्या के रिलेटेड जो लोग हैं उन सारे लोगों के फिंगरप्रिंट्स हासिल करके मैच करवाने लगते हैं, लेकिन किसी का भी मैच नहीं होता। अब इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऋषि के दिमाग में एक बात खनकने लगती है कि वारंगल से हैदराबाद को आने के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो ऐसे में उस दिन नव्या के माँ बाप आधे घंटे में ही कैसे आ गए। तो इसी के बारे में पूछताछ करने के लिए पार्दू और ऋषि नव्या के माँ बाप के पास जाते हैं। ये दोनों कहने लगते हैं कि एक्चुअली उस दिन हम हैदराबाद को निकल गए थे नव्या को हमारे घर लाने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में ही पुलिस वालों को कॉल आया कि नव्या मर चुकी है। उसके बाद जब पार्दू और ऋषि घर से बाहर जा रहे होते हैं तो ऋषि एक फोटो देखकर शॉक में रह जाता है। यहीं पर इन दोनों को ये बात पता चलती है कि एक्चुअली नव्या इन दोनों की असली बेटी नहीं है, इन दोनों ने नव्या को पाल पोसकर बड़ा किया, बस चाचा चाची होते हैं ये दोनों। और इसी तरह फिंगरप्रिंट्स मैच करवाने पर नव्या की चाची के फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं कि नव्या के गले के पास इन दोनों के ही फिंगरप्रिंट्स है। हिरासत में लेकर पूछने पर ये दोनों असली सच बताने लगते हैं कि एक्चुअली नव्या के माँ बाप मरने से पहले सारी प्रॉपर्टी नव्या के नाम कर दी और जिन्होंने भी नव्या की परवरिश की उनको प्रॉपर्टी में का थोड़ा हिस्सा मिलेगा, इसीलिए नव्या के चाचा और चाची नव्या की परवरिश करने लगे। अब इसी दरमियान में नव्या के चाचा चाची काफी सारी बार नव्या से अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगने लगे लेकिन नव्या हर बार टालती रही। इसी का फैसला करने के लिए ये दोनों उस दिन नव्या के घर पर गए, लेकिन उस वक्त नव्या के घर में वरुण मौजूद था, तो नव्या अपने चाचा चाची को घर से बाहर जाने के लिए कहती है। कहने लगती है कि मम्मी डैडी मैं आपसे बाद में बात करूंगी, प्लीज फिलहाल आप दोनों यहाँ से जाइए। ये दोनों कहने लगते हैं अरे बेटा हम चले जाएंगे, बस इन पेपर्स पर तुम्हारी सिग्नेचर कर दो। इस तरह से नव्या को फोर्स करने लगते हैं बिना नव्या की परेशानी को जाने। नव्या हड़बड़ाहट में उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर ही देती है। सिग्नेचर करने के बाद ये दोनों अपना असली चेहरा दिखाने लगते हैं। ये दोनों नव्या को मारने का डिसाइड कर लेते हैं। नव्या की चाची कहने लगती है कि पहले से ही राहुल तुम पर शक कर रहा है और तुमने मुझे कॉल करके राहुल के बारे में सब कुछ बता दिया, वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे फोन में मौजूद है,
अगर तुम मर गई तो सारा इल्जाम तुम्हारे पति पर ही जाएगा। उसी वक्त नव्या बाथरूम की तरफ देखकर वरुण को बुलाने लगती है। ये चीज ऑब्जर्व करके नव्या का चाचा बाथरूम का दरवाजा लॉक कर देता है। उसके बाद ये दोनों नव्या को उसके बेडरूम में ले जाकर फांसी लगाने लगते हैं। उसी वक्त उस रास्ते से पुलिस वाले गुजरने लगते हैं सायरन की आवाज करते हुए। ये देखकर नव्या के चाचा चाची डर के मारे पीछे के दरवाजे से निकल लेते हैं। और एक और बात यह है कि इन दोनों को हिरासत में लेने से पहले इन दोनों के बारे में थोड़ा इंक्वायरी की तो पुलिस वालों को यह बात पता चली कि नव्या के चाचा चाची ने ही नव्या के माँ बाप को मार दिया प्रॉपर्टी के लिए, तो पुलिस वाले इन दोनों को गिरफ्तार कर लेते हैं। खैर उसके बाद ऋषि अपनी गर्लफ्रेंड कीर्ति से मुलाकात करने के लिए आता है और केस के सारे डिटेल्स बताने लगता है कि नव्या के केस में उसके चाचा चाची ही असली कल्प्रिट है। और इसी तरह यहाँ पर कीर्ति थोड़े बहुत सोशल सर्विस भी करती रहती है, जैसे रेप विक्टिम्स की मदद करना, ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ना। एक दिन कीर्ति ने नव्या से भी इंटरव्यू लिया था। नव्या भी ऐसे कामों में बहुत आगे रहती थी, विक्टिम्स की मदद करना, गरीबों की मदद करना। खैर उसके बाद जब ऋषि नव्या की कॉल रिकॉर्ड्स को चेक कर रहा होता है तो ये बात पता चलती है कि जिस दिन नव्या की हत्या हुई थी उस दिन नव्या ने 100 को डायल किया था। तो ऋषि यह बात पूछने के लिए कंट्रोल रूम पर गया तो कंट्रोल रूम वाले बताने लगते हैं, हाँ सर उस दिन एक लड़की के साइड से हमको कॉल आया लेकिन मैंने नियर पुलिस स्टेशन पर ट्रांसफर कर दिया। तो ऋषि उस पुलिस स्टेशन पर जाकर पूछने पर वो पुलिस वाले बताने लगते हैं, हाँ सर कंट्रोल रूम वालों ने हमको इन्फॉर्मेशन दी थी, मैंने एक हायर ऑफिसर को इसके बारे में बताया लेकिन उस दिन वो हायर ऑफिसर लीव में था और जब तक दूसरे पुलिस वाले उस लड़की के घर पर जाते तब तक वो लड़की मर चुकी थी। बाद में ऋषि एक फोन नेटवर्क के ऑफिस पर जाकर नव्या का और कॉल डेटा मांगने लगता है, मतलब ये डेटा पूरा नहीं होता। पता चलता है कि एम्प्लॉयज के हाथ में पूरा डेटा एक्सेस करने का परमिशन नहीं है, ये सिर्फ मैनेजर ही कर सकता है और फिलहाल मैनेजर अपने घर में है। जब ऋषि उस मैनेजर के घर पर जा रहा होता है तो कुछ गुंडे ऋषि पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उसी वक्त पार्दू वहां पर आकर उन गुंडों को मार पीट कर वहां से भगा देता है, ऋषि की जान को बचा लेता है। बाद में ये दोनों इसी केस के बारे में सोचने लगते हैं कि कोई ऋषि को मारने के लिए आया, इसका मतलब इस केस के पीछे एक और कोई बंदा है जो किसी इम्पोर्टेंट चीज को छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद जब ऋषि उस नेटवर्क ऑफिस मैनेजर के घर पर जाता है तो तब तक वो मैनेजर मर चुका होता है, किसी ने उसकी हत्या कर दी। उसी रात ऋषि और उसकी टीम वाले उन गुंडों को फाइंड आउट करके पकड़ लेते हैं जिन्होंने ऋषि पर अटैक किया। दूसरे ही दिन ऋषि पार्दू को हिरासत में लेता है और उन गुंडों को बुलाकर पूछने पर ये गुंडे गवाही देने लगते हैं कि एक्चुअली पार्दू ने ही कहा था ऋषि को मारने के लिए, अगर ऐसा नहीं किया तो पार्दू एनकाउंटर में इन गुंडों को एक एक करके मार देगा। और जब ये गुंडे ऋषि को मार रहे थे तो पार्दू खुद ऋषि की जान बचाई, बाद में इन गुंडों को कॉल करके बताया कि तुम ऋषि को छोड़ दो, उस मैनेजर को जाके मार दो, हार्ड डिस्क भी निकाल लो। इस तरह से ये गुंडे पार्दू के कहने पर उस मैनेजर को मार दिया। तो ऋषि पार्दू से पूछने लगता है, तो अब बताइए सर आपने नव्या को क्यों मारा। तो पार्दू जो हुआ वो बताने लगता है। एक दिन पार्दू का छोटा भाई घबराते हुए पार्दू के पास आकर ये बताने लगा कि भैया मुझे बचा लो, मैंने नशे की हालत में एक लड़की को बलात्कार करके उसे मार दिया। उस लड़की का नाम था लक्ष्मी। पार्दू अपने भाई को बचाने के लिए लक्ष्मी के बॉयफ्रेंड वासु को इस केस में फंसाकर एनकाउंटर कर दिया। अब नव्या ये बात जानकर पार्दू के ऊपर ह्यूमन राइट्स का केस ठोक दिया, जिसकी वजह से पार्दू के ऊपर कमेटी बिठाई जाती है। कमेटी वाले पार्दू को बहुत डांटने लगते हैं कि तुम्हारे केस में क्रिमिनल्स को बिना सोचे समझे एनकाउंटर करने लगे हो, तुम्हारे ऊपर काफी सारे ह्यूमन राइट्स के केस लगे हैं और रिसेंटली तुमने वासु को पॉइंट ब्लैंक पर गोली चलाई, तुम्हारे खिलाफ सबूतों को इकट्ठा कर रहे हैं, तुम रेडी रहो अपने जॉब से हाथ धोने के लिए। इस तरह से इसको वार्न करके भेज देते हैं। पार्दू सोचने लगता है कि नव्या को कैसे मारे। अब इसी दरमियान में नव्या ने 100 को डायल किया था मदद के लिए और वो पुलिस वाला पार्दू को कॉल करके इन्फॉर्मेशन बताने लगता है, लेकिन उस दिन पार्दू लीव में होता है। इसके बावजूद भी पार्दू लोकेशन चेक करने पर पासी में होता है, सोच लेता है चलो एक बार देख कर आते हैं। इस तरह से पार्दू नव्या के घर पर जाता है, मतलब तब तक नहीं पता होता कि वो घर नव्या का है। बेचारी नव्या जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है। पार्दू सोचने लगता है कि मछली खुद बखुद जाल में आकर फंस गई, तुम मेरे ऊपर केस ठोकने लगे। इस तरह से पार्दू नव्या के मुंह पर पिल्लो रखकर इसको मार देता है, वहां पर अपने सारे सबूतों को भी मिटा देता है। तो ऋषि और उसकी टीम पार्दू को एक सुनसान जगह पर लाकर एनकाउंटर करने का सोच लेते हैं, लेकिन ऋषि पार्दू के साथ एक छोटा सा गेम खेलने लगता है। पार्दू की आंखों में पट्टी बांधकर इसके हाथ में एक गन थमा देता है, कहने लगता है अगर तुम हम में से किसी एक को मार दोगे तो हम लोग तुमको छोड़ देंगे, अगर किसी को नहीं मारा
तो हम तुमको मार देंगे। स्टेप्स की आवाज सुनते हुए पार्दू इधर उधर फायरिंग करने लगता है। फाइनली पार्दू एक बंदे को गोली मार देता है। जब अपनी आंखों की पट्टी ओपन करता है तो मरने वाला और कोई नहीं इसका छोटा भाई होता है। अपने भाई की लाश के पास आकर बहुत फूट फूट के रोने लगता है कि तुम लोगों ने मेरे ही हाथों मेरे छोटे भाई को मरवा दिया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ऋषि पार्दू के सर पर गन पॉइंटेड करते हुए कहने लगता है, पहले तुम हम लोगों से बचोगे तभी तो हम लोगों को मार पाओगे। तो उसी वक्त ऋषि को कोई कॉल करके कुछ बताने लगता है। ये सुनने के बाद ऋषि शॉक में रह जाता है और उसी तरह पार्दू भी मुस्कुराने लगता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है, मतलब यहाँ तक पहला पार्ट खत्म होता है। अब दूसरे पार्ट में पता चलेगा कि इस मूवी में और कितने राज छुपे हैं। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।